आसनसोल नगर निगम द्वारा सोमवार को कन्यापुर सैटेलाइट टाउनशिप के आसपास डॉक्टर बीसी राय रोड के इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर दर्जनों दुकानों को तोड़ा गया, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। नगर निगम प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य श्याम सोरेन के नेतृत्व में निगम और पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर दुकानों को तोड़ा। श्याम सोरेन ने कहा कि मंत्री मलय घटक और चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा, अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस तरह का अभियान आसनसोल बाजार इलाके में भी चलेगा, जहां लोगों को पैदल चलने में तो कठिनाई होती ही है, पार्किंग की भी जगह नहीं मिलती। गौरतलब है कि चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी ने कहा था कि छठ पूजा के बाद अतिक्रमण के खिलाफ कदम उठाया जाएगा। वहीं बड़ाकर में बोर्ड सदस्य चंद्रशेखर कुंडू की सख्ती के बाद लोगों ने खुद अतिक्रमण हटाया। भाई खाली कर दो, दादा भाई निजे निजे सामान बेर कर दाओ, एवं सरकारी जगह क्यों तुम्हार ये करो ना, बसो ना डीएम अफिसर सामने। डीएम अफिसटा जदि ना है तहले कत लोकर क्षति हबे। आज के डीएम अफिसटा एखाने जिला भाग होयेछे, डीएम अफिसटा होयेछे एखाने, तार जोन्नो कत मानुषेर सुविधा होच्छे। আমরা আজকে লক্ষ্মী ভাণ্ডার, আজকে আমরা পেনশন, আজকে আমরা শিডিউল টাইপের সার্টিফিকেট, আজকে আমরা মাইনরিটি সার্টিফিকেট, আজকে আমরা কন্যাশ্রী, আজকে আমরা শিক্ষাশ্রী, সমস্ত কিছু ডিএম অফিস থেকে হয়ে যাচ্ছে। রূপশ্রী রাস্তার পাশে দোকানগুলো থাকার জন্য অসুবিধা হচ্ছে মানুষের, দোকানের জন্য মানুষের গতি বাড়ছে না। এই অভিযান কি সারা আসানসোল জুড়ে চলবে? হ্যাঁ, সারা আসানসোল জুড়ে চলবে। जमीन बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे ये लोग धेमो में कोलियरी के हैं। इनका आरोप है कि पूर्व पार्षद रोहित नोनिया और उनके दाहिने हाथ माने जाने वाले सुजीत सिंह ने मिलकर उनकी खेती की जमीन हड़प ली है। आरोप है कि रोहित नोनिया और सुजीत सिंह खेती की जमीन को लेबल करके उस पर प्लॉटिंग कर रहे थे, जिस पर ग्रामवासियों ने रोक लगा दी। उनका कहना है कि वे जबरन उनकी जमीनों को हथियाना चाह रहे हैं, जमीन के बदले औने पौने दाम दे रहे हैं, जो कि उनके साथ नाइंसाफी है। इस संबंध में वे पहले भी स्थानीय प्रशासन और ADCP के पुलिस कमिश्नर से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई है और आज दोबारा ऐसी स्थिति आई, जिसकी वजह से उन लोगों ने रोहित नोनिया और सुजीत सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। दर्ज करवाने आए अनोल मांझी ने बताया कि जब भी जमीन की नापी करवाने वे लोग जाते हैं तो रोहित नोनिया और सुजीत सिंह के लोग उन्हें मारपीट कर वहां से भगा देते हैं। उनका कहना है कि क्षेत्र में अराजकता का माहौल बन गया है और वे लोग असामाजिक लोगों के बीच रहने पर मजबूर हैं। हमारे दीर्घ दिन धरे हमारे एक जन एंटी सोशल रोहित नोनिया और सुजीत सिंह तार दल बल निये हमारे ग्रामे जमी मैंने जेटा धान चाष करतम ওটাকে ওরা লেবেল করে মানে ফিলিং করে দিয়েছে এবং গায়ের জোরে ওখানে কনস্ট্রাকশন করছে। ইসিএলের জমিতে তো দখল তো করেইছেই এবং আমাদেরকে মেরে ফেলারও হুমকি দিচ্ছে। আমরা যদি জমি মাপতে যাই আমাদেরকে মেরে ভাগিয়ে দিচ্ছে। এক মিনিট তুই বলুন, মেরে ভাগিয়ে দিচ্ছে, কোনো কাজ করতে দিচ্ছে না। এত বড় গ্রাম, গ্রামকে আন্ডার এস্টিমেট করছে সবসময়। মানে আমাদের আইডেন্টিটি যেটা সেটাও আমাদের লোপ পেতে চলেছে। আমরা যে গ্রামের মানুষ সেটা আমাদের পরিচয় দেওয়ার ইয়ে নাই। আমরা যেন অ্যান্টি সোশ্যাল রাজত্বে বাস করছি, যেটা উত্তরপ্রদেশের বিকাশ দুবের মতন জায়গায় আমরা বিলং করছি। এটা খুব হতাশাজনক, এটা দুর্ভাগ্যজনক যে এই জায়গায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি। এটা নিয়ে কোনো অভিযোগ থানা অভিযোগ করেছি, থানায় এসেছি অভিযোগ দায়ের করতে। এসিপি সাহেব বলে দিয়েছেন যে প্রত্যেকজনের পৃথক পৃথক FIR করার জন্য, সেই জন্য ওনার ইয়ে মানে ওনার কথা মতো আমরা এখানে এসেছি FIR করার জন্য। কে কারা লেভেল করছে? কে উনি? উনি কে? আপনাদের কেউ ভাগিদার? না না না। তাহলে কে? আমাদের যে জমিগুলো আছে, প্রথমত আমরা জমির মধ্যে নিজে কাজ করতে পারি না। কোনো সার্ভেয়ার এলে তাকে মারে ভাগিয়ে দেয়, সার্ভেয়ার আসতে চায় না। দ্বিতীয়ত যেটা জন্য এসছে সেটা হচ্ছে ওর আমাদের জমিটাতে পুরোপুরি ফিল করে দিয়েছে। রোহিত নুনিয়া অ্যান্ড সুজিত সিং অ্যান্ড আধার ওদের যে আরও যেগুলো আছে আর কি ওদের সঙ্গে জড়িত, তো পুরো জমিটা ফিল করে দিয়েছে। এখন ওখানে কনস্ট্রাকশন চালাচ্ছে। আমরা যে জমিটা আমার কোনটা বটে সেটা চেনার ক্ষমতা নেই, কারণ তো আলগুলো তো ঢেকে গেছে। যে 6 ফুট নিচে জমি ছিল সেটা 6 ফুট ফিল করে দিয়েছে। ওই জমিটা কি চাষ? চাষ হতো, চাষেরই জমি ছিল। জায়গাটা কোন জায়গাতে? এটা বর্ধমান মুজার
আপনার মেন্দম বাস স্ট্যান্ড যেটা আছে তার থেকে একটু জিটি রোড থেকে 500 মিটার ভিতরে জায়গাটা। আবার জিটি রোড উপর আছে না, জিটি রোড উপর আছে যেটা এনার দাগ নম্বরটা কত? দাগ নম্বর হচ্ছে আমার 1104। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटी दार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड आसनसोल। नई नई जगहों की तलाश में है जुआरी। बड़े होटलों के बाद अब परित्यक्त क्वार्टरों में जुआ अड्डा का संचालन किया जा रहा है। कुल्टी थाना अंतर्गत डीसरगढ़ किलबर्ग इलाके में ईसीएल के परित्यक्त बंगला में जुए अड्डे का भांडाफोड़ पुलिस ने किया। पुलिस ने जुआ अड्डा पर छापेमारी कर मौके से आसनसोल तथा बर्णपुर के 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 80,000 रुपए नगद और एक कार जब्त करने की सूचना मिली है। सूत्रों के अनुसार यहां पर कुल्टी बड़ाकर और पारबेलिया के नामचीन जुआरियों द्वारा जुआ अड्डा संचालन किया जा रहा था। पुलिस मामले में शामिल लोगों की तलाश में जुट गई है। गिरफ्तार किए गए 4 जुआरियों को कोर्ट भेजा गया। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही आसनसोल के बड़े होटल में जुए का अड्डा चल रहा था, जहां विभिन्न राज्यों के कुल 18 जुआरियों को दबोचा गया था। वहीं पांडेश्वर इलाके में जुए को लेकर हुए विवाद में एक की हत्या भी कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि विभिन्न इलाकों में अभी भी जुआ अड्डा का संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है।